ये किस चीज का जश्न मना रहे हो रंजीत सिंह? साजिशों और झूठ पर ईमानदारी और सच की जीत की खुशी का जश्न। वह चिट्ठी पढ़िए चाचा जी, यही पूरे फसाद की जड़ है। क्या है ये? आप खुद ही खोलकर पढ़ लीजिए, सब समझ जाएंगे। मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ चुका है रंजीत सिंह, ये जरूर तेरे पिताजी की कोई नई चाल है। देख तो लीजिए चाचा जी, अगर आपको फिर भी ऐसा लगा कि ये मेरे पिताजी की चाल है तो मेरा सर कलम कर दीजिएगा चाचा जी। चिट्ठी आपकी नहीं है, मोहर आपकी। अब तो आप मान गए हो ना चाचा जी कि आपके और पिताजी के खिलाफ साजिश रची गई है। बोलिए चाचा जी, सही के गलत? वाहेगुरु, ये क्या हो गया? मुझे तुरंत ये सारी गलतफहमियां दूर करनी होंगी। सरदार जी, सरदार गुरबख्श सिंह जी का पैगाम आया है। इंसान अपना परिवार नहीं चुन सकता वीर है, क्योंकि वो फैसला वाहेगुरु के हाथ है। पर एक रिश्ता ऐसा है जिसे हम चुन सकते हैं, वो है दोस्ती का रिश्ता। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि वाहेगुरु जी ने मेरे लिए एक कमाल का परिवार तो चुना, पर साथ ही मुझे एक कमाल का दोस्त चुनने का मौका भी दिया, और वो दोस्त तुम हो मां सिंह। दोस्त के रूप में तुम मेरे वो भाई बने जो मेरे पास नहीं था, वो आईना बने जो मुझे सच से रूबरू कराता रहा, वो ढाल बने जो मुझ पर होने वाला हर वार अपने ऊपर लेने को तैयार था। सालों तक हमने एक दूसरे का साथ निभाया, हर उतार चढ़ाव में, जश्न शोक में, जंग जलसों में हम साथ खड़े रहे, पर फिर अचानक सब बदल गया। क्यों हम गलतफहमियों का शिकार बन गए? क्यों हमारी दोस्ती कमजोर पड़ गई? शायद मेरा गुस्सा, मेरा जज्बाती होना ही इस दोस्ती के टूटने का कारण बना। याद है वीरे, जब मेहताब कौर ने इस धरती पर जन्म लिया था, तुमने सारी रियासत में लंगर लगवाए थे, कन्हैया रियासत के हर बंदे को तोहफे भिजवाए थे। इसको सब में बांट दीजिए। और रंजीत सिंह के पैदा होने पर पूरा दिन नाचे थे तुम ब्रावा, और पूरा दिन नाचा था मैं। सुकर चकिया के हर एक इंसान को गले लगाया था तुमने, जैसे कि ये सिर्फ मेरी खुशी नहीं, भी खुशी। और सारे गुजरांवाला में मिठाइयां बटनी चाहिए, हर गुरुद्वारे में लंगर होना चाहिए। ओए मैं चाचा बन गया, ओए मैं चाचा बन गया।
साथ थे तो हर खुशी बढ़ जाती थी, हर दुख कम लगता था। पर आज हम साथ नहीं, मेरी वजह से। मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी वीरे, एक ऐसी गलती जो शायद माफी के लायक नहीं। तुम मुझे समझाने की कोशिश करते रहे पर मैं ही नहीं समझ पाया। तुम्हारी परछाई से निकलने की कोशिश करता रहा पर इतना भी नहीं समझ पाया कि तुम्हारी परछाई में ही मैं सही था। तुम्हारी अच्छाई की ठंडक जो पहुंच रही थी मुझ तक। कहते ना, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते वीरे। तुम दिलदारी के लिए जाने जाते हो और मैं जज्बाती होने के लिए। तो आज तुम दिलदारी दिखाओ और मैं जज्बात। मैं अपनी हर गलती मानता हूं वीरे, और हर सजा के लिए तैयार हूं। पछतावे का एक मौका चाहता हूं, सिर्फ एक मौका। आज रात चांद की रोशनी में जंग के मैदान पर मिलना चाहता हूं, लड़ने के लिए नहीं, गलत फहमियां दफन करने के लिए। आओगे ना? मैं आऊंगा ब्रावा, जरूर आऊंगा। आज रात महार सिंह और गुरबख्श सिंह फिर से गले लगेंगे और सारी गलत फहमियों को दफन करते हैं।